इसराइल बीते 6 महीने से भी अधिक समय से गाजा में आक्रामकता कर रहा है। उसने गाजा के स्कूलों और अस्पतालों तक पर हमला किया। इस दौरान इजरायली सेना ने गाजा में भारी संख्या में लोगों को मारा। अब गाजा से ऐसी खबर आ रही है जो लोगों को झकझोर कर रख देने वाली है। दरअसल गाजा पट्टी के 2 अस्पतालों में सामूहिक कब्र मिली है, जिनमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित 392 शव थे। माना जा रहा है कि इन सभी लोगों को भारी यातना और फांसी देकर मारा गया है। फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने गुरुवार को नासिर और अल शिफा अस्पतालों के आसपास सामूहिक कब्रों का खुलासा किया। नागरिक सुरक्षा सदस्य मोहम्मद मुगियर ने कहा कि 10 शवों के हाथ बंधे पाए गए, जबकि अन्य के साथ मेडिकल ट्यूबें जुड़ी हुई थी। इससे संकेत मिलता है कि उन्हें जिंदा दफनाया गया होगा। मुगियर ने कहा कि हमें उन लोगों के लगभग 20 शवों के फॉरेंसिक जांच की जरूरत है, जिनके बारे में लगता है कि उन्हें जिंदा दफनाया गया था। सामूहिक कब्रों में बच्चों के शवों को लेकर भी मुगियर ने कहा कि सबूत से पता चलता है कि इजरायली सैनिकों ने मानवता के खिलाफ जाकर अपराध किए हैं। दक्षिणी खान यूनिस में नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रमुख यमन अबू सुलेमान ने कहा कि जहां नासिर अस्पताल स्थित है, वहां 3 अलग-अलग सामूहिक कब्रें मिली हैं, जिनमें से 1 मुर्दाघर के पीछे, 1 मुर्दाघर के सामने और 1 डायलिसिस भवन के पास। सुलेमान ने कहा कि बरामद किए गए 392 शवों में से सड़न और अन्य कारणों से सिर्फ 65 शवों की ही पहचान हो पाई है। सुलेमान ने कहा कि शव एक साथ रखे हुए थे, इससे क्षेत्र में हत्या किए जाने के संकेत मिलते हैं। अब सुलेमान ने गुरुवार को दक्षिणी राफा में एक सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया है कि वो गाजा में लोगों के खिलाफ इस तरह की आक्रामकता को तत्काल रोके जाने के लिए दबाव बनाए। इसके साथ ही उन्होंने मानवीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी गाजा में जाने की अनुमति देने का आह्वान किया। हालांकि इसराइल ने गाजा के अधिकारियों के दावों का खंडन किया है और कहा कि कब्र कुछ महीने पहले गाजावासियों द्वारा ही खोदी गई थी। उन्होंने कहा कि लोगों को दफनाते समय गाजावासियों द्वारा अपलोड किए गए सोशल मीडिया पोस्ट से इस तथ्य की पुष्टि भी हुई थी। इसराइल का कहना है कि सामूहिक कब्रों में नागरिकों को दफनाने के लिए इसराइल को दोषी ठहराने का कोई भी प्रयास सरासर गलत है और ये दुष्प्रचार इसराइल को अवैध ठहराने के अभियान का हिस्सा है। हालांकि इस पूरे मामले में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने मौतों की स्वतंत्र, प्रभावी और पारदर्शी जांच का आह्वान किया है।